से सुलोक। ओके, तो मैं आपका दोस्त गिरीश देशमुख यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी टॉपिक जो आज लेके आया हूँ आप सबके लिए, वो बेसिकली जो है वो ही स्ट्रेस, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है गाइस, और ही स्ट्रेस एक कॉमन एडवर्स हेल्थ इफेक्ट है जिसकी वजह से बहुत सारी इंजरीज और बहुत सारे पर्सनल हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं वर्क प्लेस पर खास करके। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, ही स्ट्रेस। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो शुरू करते गाइस ही स्ट्रेस के बारे में, ही स्ट्रेस अवेयरनेस। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि एम ऑब्जेक्टिव्स क्या है आज के, उसी के साथ में जो समझ लेंगे कि कंसेप्ट ही स्ट्रेस है क्या, ही स्ट्रेस के हजार्ड्स क्या होते हैं, उसके प्रिवेंटिव और कंट्रोल मेजर्स क्या होते हैं जिससे हम अपने वर्क प्लेस पर इम्प्लीमेंट कर सके, और उसके बाद में गाइस हम देखेंगे कि कुछ एक शॉर्ट वीडियो ही स्ट्रेस के बारे में। तो मेन ऑब्जेक्टिव आज के सेशन का ये है गाइस कि हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ही स्ट्रेस पता हो जाएगी, और जिससे हम हमारे वर्क प्लेस पे जो रिलेवेंट कंट्रोल मेजर्स या प्रिवेंटिव मेजर्स या हज़ार कंट्रोल करने के लिए है वो हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सो ये मेन ऑब्जेक्टिव आज के सेशन का है गाइस। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं कि ही स्ट्रेस क्या है। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है गाइस दो फैक्टर्स का, एक तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स और दूसरा चीज़ होता है फिज़िकल वर्क फैक्टर्स, जो कि हमारे बॉडी के जो कूलिंग सिस्टम हमारे पास है इनबिल्ट, उसको ये हीट लोड इम्पैक्ट करता है गाइस, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसी भी टाइप का ही स्ट्रेस या ही स्ट्रेस इलनेस होने के लिए। और वो कैसा होता है गाइस, इसके लिए एक थोड़ा सा साइंटिफिक हम चेक करते हैं कि हमारा बॉडी का कूलिंग सिस्टम वर्कआउट कैसे करता है। जैसा हम देखते हैं कि एसी कैसा काम करता है कि एसी सिस्टम, अगर बाहर का टेम्परेचर अगर 40 डिग्रीज भी है, अगर हम एसी का टेम्परेचर अगर 24 पे सेट करते हैं तो अंदर रूम का टेम्परेचर 24 ही मेंटेन रहता है, भले ही बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्रीज है। ये कैसा मेंटेन होता है, ये बेसिकली मेंटेन होता है एक एसी के थ्रू, जिसके अंदर एक थर्मोस्टैट काम करता है, जो थर्मोस्टैट आपके अंदर के रूम टेम्परेचर का, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री पे मेंटेन करता है। उसी तरीके से गाइस हमारे बॉडी के अंदर एक इनबिल्ट थर्मोस्टैट फिट होता है, जो बॉडी ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ये एक टाइप की ग्लैंड है गाइस जो हमारे बॉडी का कूलिंग सिस्टम मेंटेन करती है। तो ये हमारे बॉडी का जो ये कूलिंग सिस्टम है, ये किस तरीके से काम करता है, जब भी हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो हमें पसीना आता है ये किस तरीके से होता है, क्योंकि जब हीट ही हमारे ये जो स्वेट ग्लैंड्स हमारे शरीर के अंदर है, स्किन के अंदर है, वो उसको एक्टिवेट करता है, जिससे ये जो ग्लैंड है वाटर और उसके साथ ही हमारे बॉडी में जो साल्ट्स है उसको ये हमारे स्किन के सर्फेस के ऊपर लेके आता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, पसीने के रूप में उसको शरीर से बाहर फेंकता है। और इसी तरीके से हमारे बॉडी की जो हीट है वो जब ये पसीना सूखता है, इवेपोरेट होता है, तब हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है, और जब इवेपोरेशन होता है वाटर का तभी हमारी बॉडी कूल रहती है। एंड जिस वक्त ये कूलिंग का जो सिस्टम है जब इंटरप्ट होता है या फिर डिस्टर्ब होता है, तभी हमारे को ही स्ट्रेस या फिर ही स्ट्रेस से रिलेटेड इलनेसेस हो जाते हैं गाइस। ये जो ही स्ट्रेस का इंटरप्शन है वो किस तरीके से होता है, बेसिकली जब ये पसीना हमारा होता है, जब ये पसीना सूख जाता है, स्वेट ग्लैंड्स जो हमारे स्किन में जो छोटे छोटे पोर्स है, जो होल्स होते हैं, उसमें ये स्टक हो जाता है और वहाँ से पसीना बाहर नहीं आता, और इसी टाइप से हमारे जो हाइपोथैलेमस है वो काम करना बंद कर देता है, और तभी हमारा बॉडी का जो कूलिंग सिस्टम है वो इम्पैक्ट उसके ऊपर आता है, और ये कूलिंग होने का जो सिस्टम है वो बंद पड़ता है, और उसी वक्त हमें ही स्ट्रेस होता है गाइस। और ही स्ट्रेस इन्हीं चीज़ों से होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर जैसा इंक्रीज्ड इन ह्यूमिडिटी हो गया या फिर इंक्रीज्ड इन टेम्परेचर हो गया। अभी आप देखेंगे कि जिस वक्त ह्यूमिडिटी हवा में बहुत ज़्यादा है, उस वक्त क्या होता है कि बेसिकली बहुत पसीना आता है, भले आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप एक जगह पे खड़े हो, फिर भी आपको बहुत पसीना आता है, मीन्स यू आर गेटिंग एग्जॉस्टेड, आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। और इसी तरीके से हमारे शरीर से पानी और साल्ट की कमी की वजह से हमें वीकनेस, एग्जॉशन, डिजीनेस, इस तरीके से सिम्टम्स नज़र आते हैं गाइस। और हमारा बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का जो है वो 37 डिग्रीज मेंटेन रखना होता है, ताकि हमारे बॉडी के सारे ही ऑर्गन्स एक्टिव रहे और फंक्शनल रहे, उसको मेंटेन रखना पड़ता है 37 डिग्रीज गाइस। और जब ये टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो जाता है देन वी विल फेस हेल्थ इश्यूज़।
और यही बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्रीज मेंटेन करने का काम ही हमारा बॉडी का कूलिंग सिस्टम, जिसको हाइपोथैलेमस ग्लैंड भी कहते हैं, वो हमेशा कंटिन्यूसली करते रहता है। और जब ये इंटरप्ट हो जाएगा एनवायरमेंटल फैक्टर से या फिजिकल फैक्टर से या कॉम्बिनेशन की वजह से, तभी हमें हीट स्ट्रेस होता है गाइस। अभी देखेंगे कि हमारा जो ये हीट लॉस या ट्रांसफ़र का जो मैकेनिज़्म है हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से काम करता है गाइस। तो बेसिकली यहाँ पे चार टर्मिनोलॉजीज़ है, इवेपोरेशन, रेडिएंट हीट, कन्वेंशन और कंडक्शन। इन्हीं चार कंसेप्ट के थ्रू ये हीट लॉस या फिर हीट ट्रांसफ़र जो हमारे बॉडी के थ्रू होती है वो होती है गाइस। तो इवेपोरेशन कैसा वर्कआउट होता है गाइस, बॉडी जो है हमारा वो वाटर वेपर को ट्रांसफ़र करता है स्किन को थ्रू पोर्स एंड स्वेट ग्लैंड्स। इवेपोरेशन में होता क्या गाइस कि हमारी जो बॉडी है वो वाटर वेपर्स ट्रांसफ़र करती है स्किन को थ्रू वो जो छोटे छोटे छेद होते हैं, होल्स होते हैं हमारे स्किन के अंदर, और थ्रू स्वेट ग्लैंड्स ऑल्सो। और जो हमारे शरीर की जो हीट है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र होती है थ्रू स्किन टू द सराउंडिंग एयर। और एज जैसे ही एम्बिएंट टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ होता है, जैसे 45 डिग्रीज तक पहुंच जाता है, तब हमारी बॉडी क्या करती है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र करती है अपनी हीट थ्रू स्किन, जिसे हम लोग कंडक्शन ऐसा कहते हैं। और ये इवेपोरेशन रेट इंक्रीज़ करने के लिए हम कन्वेक्शन का यूज़ करते हैं। कन्वेक्शन इन द सेंस क्या है गाइस कि हम एडिशनल एयर सप्लाई करते हैं हमारे स्किन के थ्रू, जैसे कि एयर ब्लोइंग हो गई, जैसा यूज ऑफ फैन या फिर एसी, जिससे हमारा कूलिंग सिस्टम रिगेन हो। और हीट लॉस या ट्रांसफ़र और एक तरीके से होता है, जैसे कि रेडिएशन हो गया। रेडिएशन ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हीट ट्रांसफ़र है, जैसे कि सराउंडिंग्स में कुछ हॉट वर्क हो रहा है या हॉट ऑब्जेक्ट्स है जिनके थ्रू ये हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है हमारे बॉडी के साथ, तो उससे थ्रू रेडिएशन भी ये हीट ट्रांसफ़र होती है गाइस। और जनरली गाइस हीट स्ट्रेस जो है वो पर्टिकुलरली कुछ 5 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है या फिर टाइप्स में डिवाइड हुआ है, जैसे कि हीट रैशेस, हीट फटीग, हीट क्रैम्प्स, हीट एग्जॉशंस और हीट स्ट्रोक। तो अगर आप केयरफुली देखेंगे तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि हीट रैश से लेके हीट स्ट्रोक तक जिस तरीके से ये सीवियरिटी मीटर आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड में, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स लिखे हुए हैं। तो हीट रैशेस आर द लीस्ट सीवियर, मतलब उसका जो इम्पैक्ट है वो इतने हार्मफुल नहीं है। बट जैसे जैसे हम लोग हीट स्ट्रेस का लेवल या फिर सीवियरिटी बढ़ती है, जैसे रेटिंग 1 से लेके 5 तक अगर आप देखेंगे तो वो कीप ऑन राइजिंग, जिसका इम्पैक्ट हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है गाइस। तो गाइज़ ये जो 5 टाइप के हीट स्ट्रेस इलनेसेस है उसमें जो सिम्टम्स है वो कॉजेस क्या क्या है, साइन सिम्टम्स क्या है, उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है, या फिर प्रिवेंटिव एक्शंस या मेजर्स हम क्या कंसिडर कर सकते हैं टू अवॉइड और रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ हीट स्ट्रेस, ये हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गाइज़ हीट रैशेस के साथ। सो हीट रैशेस क्यों होते हैं? बेसिकली हीट रैशेस जो है हॉट और ह्यूमिड वर्क एनवायरनमेंट में कंटिन्यूसली काम करने की वजह से होते हैं। जब आपकी स्किन कंटिन्यूसली वेट हो जाती है पसीने की वजह से, कंटिन्यूसली आप वैसा ही काम कर रहे हो, जिसके वजह से क्या होता है गाइज, आगे जाके आपके जो जो स्वेट ग्लैंड्स है, जो पोर्स है जहाँ से पसीना बाहर आता है स्किन के थ्रू, वो जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके वजह से हमें ये सारे सिम्टम्स या स्किन रैशेस होते हैं। अभी इसमें साइन और सिम्टम्स जो है वो बेसिकली पेनफुल या फिर ईची स्किन, ये एक उसका सिम्टम है, और कुछ ब्लिस्टर्स लाइक या ऐसा छोटा छोटा दाना जैसा आपके बॉडी के ऊपर ये डेवलप होता है गाइस। तो गाइस ट्रीटमेंट के लिए स्पेसिफिकली आप अपनी स्किन को क्लीन और ड्राई रखिए हमेशा, और हमेशा ही शेडेड एरिया में या फिर कूल एरिया में आप रहे जहाँ पे एयर सर्कुलेशन या एयर कंडीशनिंग जगह हो, या फिर आप एग्जॉस्ट फैन या फिर फैंस या फिर कूल शावर्स आपके वर्क प्लेस में जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ पे आप लगा सकते हो। और गाइस वियर लाइट वेट और लूज फिटिंग क्लोज हमेशा, जिसकी वजह से आपका जो स्वेटिंग है या फिर हीट एग्जॉशन है वो ना हो। और प्रिवेंशन के तौर पे गाइस हमेशा जब भी आप हॉट वर्क या ह्यूमिड वर्क एनवायरनमेंट से काम करके जाते हो तो आप सबसे पहले तो शावर लीजिए, देन आपकी स्किन को हमेशा क्लीन और ड्राई रखिए, ये प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग ले सकते हैं गाइस। तो हीट फटीग क्या है गाइस, ये जो है एक्सट्रीम टायर्डनेस खास करके फिजिकल एक्जर्शन के वजह से या इलनेस के या फिर एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर के वजह से होता है,
और इसके कारण जो है वो लैक ऑफ एक्लाइमेटाइजेशन है। एक्लाइमेटाइजेशन मतलब गाइज, अगर आप किसी ठंडी जगह से काम करके आए और इमीडिएटली आप बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर में काम कर रहे हो, ऐसे टाइम में आपको ये हीट फटिंग होने का चांसेस है। सो डिप्लीशन ऑफ वाटर एंड साल्ट ड्यू टू स्वेटिंग, यस, जहाँ पे एक्सट्रीम एक्जर्शन होगा वहाँ पे आपका स्वेट और बॉडी साल्ट्स ये डिक्रीज होंगे। ये कुछ रीजंस है, कॉजेस है हीट फटिंग होने के। और सिम्टम्स जो है गाइस, आप डिस्कम्फर्ट फील करोगे हमेशा वर्किंग प्लेस पे, वीकनेस और टायर्डनेस आपके बॉडी में रहेगा, इम्पेयर्ड परफॉर्मेंस ऑफ स्किल टास्क इन हीट, आपको थोड़ी सी दिक्कत जाएगी आपके नॉर्मल टास्क करने के लिए, और आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स है गाइस हीट फटिग होने के। और इसका ट्रीटमेंट के लिए ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट वहाँ पे हम मेंशन नहीं कर सकते, जैसा कि हीट इलनेस के लिए है, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए हम लोग उसे कूल प्लेस पे लेके जा सकते हैं, हाइड्रेट कर सकते हैं बाय गिविंग इनटेक ऑफ फ्लूइड्स एंड ऑल। और प्रिवेंशन हम उसको अक्लाइमेटाइजेशन जो वर्कर्स है उनका होना ज़रूरी है, जब भी वो किसी ठंडे प्रदेश से काम करने के लिए आते हैं किसी हॉट वर्क प्लेस पे। तो अक्लाइमेटाइजेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है यहाँ पे हीट फटीग रिड्यूस करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें एज अ प्रिवेंटिव मेजर हम कंसिडर कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है गाइज वो है हीट क्रैम्प्स। और जनरली इसके कॉजेज जो है वो इसलिए है क्योंकि हमारा जो पसीना है बहुत सारा बह जाता है हॉट वर्क करने के दौरान, और हम लोग सिर्फ पानी पीते हैं बट हमारे को बॉडी के अंदर पानी के साथ में हमारा जो बॉडी साल्ट्स है वो भी यहाँ पे लॉस हो रहा है, जो हम रिफिल नहीं करते या उसको रिगेन नहीं करते, इसीलिए क्रैम्प्स जो है हमारे बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स में आते हैं गाइस। के साइन सिम्टम्स जो है वो एकदम पेनफुल मसल में क्रैम्प आना, जैसे कि हाथों में, पैरों में, बैक में, कुछ काम करते वक्त एकदम से क्रैम्प आ जाना, ये सारी सिम्टम्स यहाँ पे दिखते हैं। और ये खास करके जनरली ऐसे टाइम पे होते गाइस जब हम लोग लॉन्गर आवर्स ऐसा हॉट एंड ह्यूमिड वर्क में काम कंटिन्यूसली काम करते हैं, और हमारे शरीर से बहुत सारा पसीना और उसके साथ में बॉडी साल्ट जो है वो बॉडी से निकल जाते हैं। इसमें जो ट्रीटमेंट है गाइस वो हमें तो कंटिन्यूसली बॉडी फ्लूइड्स लेते रहना पड़ेगा, तो ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर, और किसी शेडेड एरिया में या ठंडी जगह पे हमें कुछ रेस्ट लेना है, कुछ इसीलिए रेस्ट एरिया वर्क प्लेसेस में होने चाहिए गाइस। उसी के साथ में जिसे भी हीट क्रैम्प हुआ है उसे हम कुछ पानी उसके जो क्रैम्प या इम्पैक्टेड एरिया है वहाँ पे हम वाटर स्प्रे कर सकते हैं, और हल्के हाथों से उसको मसाज भी कर सकते हैं उस क्रैम्प्ड एरिया में। और प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए गाइस डेफिनेटली जो कि बॉडी साल्ट जैसे कि प्रोलाइट है, हम रेकमेंड करते हैं कि वो सारे ही एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स को दिया जाए। और हमारे मील्स में जो है वो नमक की जो मात्रा है या फिर इंटेक है वो प्रॉपरली होनी चाहिए, प्रॉपर पानी का इंटेक होना चाहिए, और जैसे कि जूस हो गए, फ्रूट जूस हो गए, ये रेगुलरली हमें कंज्यूम करने चाहिए स्पेसिफिकली ये समर पीरियड में। और उससे सीवियर सिचुएशन है गाइस हीट एग्जॉशन, और बेसिकली इस वजह से होता है क्योंकि हमारे बॉडी से लॉट ऑफ वाटर और साल्ट निकल जाते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन होता है, जिसमें हमारे शरीर के अंदर ब्लड का वॉल्यूम जो है वो बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी वीक हो जाती है और हमारे ओवरऑल बॉडी का जो कूलिंग सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाता है। इसमें इम्पोर्टेंट जो साइन सिम्टम्स है जिसके हमें पता चलता है कि किसी बंदे को या एम्प्लॉय को हीट एग्जॉशन हुआ है नहीं हुआ है, वो जनरली जब वीकनेस आता है, डिजीनेस या फेंटनेस बंदे को होती है तब हमें पता चलेगा कि उसको हीट एग्जॉशन हुआ है। जैसे कि हेडेक है, सीवियर हेडेक है, या फिर हैवी स्वेटिंग हो रही है किसी को, या नोज़िया, वोमिटिंग, ऐसे कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो बंदे को हीट एग्जॉशन हुआ है। और उसी के साथ में जो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है बंदे का उससे भी उसका ब्लड प्रेशर जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसको गाइस ट्रीटमेंट और प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए जैसे कि हमने डिस्कस किया अर्लियर कि बंदे को एकदम कूल और शेडेड एरिया में शिफ्ट किया जाए, उसको लॉट ऑफ वाटर एंड साल्ट्स या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स उसको दिया जाए पीने के लिए, और ऐसी जगह में वेल वेंटिलेटेड एरिया में उसे लेके जाके उसे रेस्ट किया जाए। और प्रिवेंशन के लिए गाइस अक्लाइमेटाइजेशन किसी भी बंदे का जो कि कूलर प्लेस से आ रहा है, छुट्टी मना के आ रहा है या वर्क पे रिटर्न हो रहा है, और ये सब अक्लाइमेटाइजेशन होने तक उसे डायरेक्टली
हॉट एरिया में नहीं भेजना है काम करने के लिए, और उसे इनटेक ऑफ लॉट ऑफ फ्लूइड्स एंड वाटर इज रिक्वायर्ड। ओके, तो हीट स्ट्रोक जो है गाइज ये सीवियर कंडीशन है स्ट्रेस के अंदर, और बेसिकली ये इसके वजह से होती है क्योंकि ये पार्शियल और कंप्लीट फेलियर ऑफ स्वेटिंग मैकेनिज्म, जो हमारा बॉडी का कूल करने का जो मैकेनिज्म है कम्प्लीटली कोलैप्स हो जाता है, ऐसे सिचुएशन में हीट स्ट्रोक होता है, जहाँ पे हमारी बॉडी और ज़्यादा हीट लोड ले नहीं पाती है, तब जाके हमें हीट स्ट्रोक होता है। उसके साइन और सिम्टम्स कुछ इस तरीके से गाइज, जहाँ पे बंदे की स्किन जो है वो पूरी हॉट एंड ड्राई हो जाती है, और उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, उसे नॉर्मल चीज़ें भी नॉर्मल चीज़ों के अंदर भी फंक्शंस के अंदर भी उसको कन्फ्यूजन होता है उसको, और शायद से बंदा बेहोश भी हो जाए, ये सिचुएशन भी हो सकती है। एंड ये एक फैटल सिचुएशन भी कंसिडर की जाती है गाइज, हीट स्ट्रोक अगर उसको इमीजिएटली ट्रीटमेंट नहीं मिला या फर्स्ट एड नहीं मिला है तो वो बंदा रिकवर नहीं हो रहा है हीट स्ट्रेस से या हीट स्ट्रोक से, तब ये फैटल भी हो सकता है गाइज। सो इसलिए दिस इज़ अ सीरियस कंडीशन ऑफ हीट स्ट्रेस। तो ऐसे सिचुएशन में गाइज ट्रीटमेंट जो रिकमेंडेड है, इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी है, तो इसे इमीजिएटली किसी कूल प्लेस में लेके जाना है, शेडेड एरिया में लेके जाना है, प्रॉपरली वेंटिलेशन वहाँ पे इंश्योर करना है हमें, और उसकी जो एक्सेस क्लोथिंग है जैसे कि पीपीज है, कवरऑल्स है, वो रिमूव कर दिए जाए इमीजिएटली, ताकि उसका जो बॉडी कूलिंग मैकेनिज्म है वो रिगेन हो सके, उसे प्रॉपरली एयर सप्लाई की जाए ताकि जो कूलिंग है वो उसे प्रोवाइड की जाए, और कूल वाटर के साथ उसके बॉडी पे स्प्रे किया, वाटर स्प्रे कर सकते हैं हम लोग एज अ फर्स्ट एड। और प्रिवेंटिव मेजर्स में गाइस जैसा कि हमने बोला कि खास करके ये सुपरवाइज़र या उनके मैनेजर्स का काम है या टू कंटिन्यूसली मॉनिटर उनका जो वर्क प्लेस है हॉट एंड ह्यूमिड है क्या, ह्यूमिडिटी मेजरमेंट या उसका टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स या हीट इंडेक्स मेजरिंग, ये सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं गाइस, ताकि वो पता चले उनको कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वर्कर्स है वो कितना एक्सपोज हो रहे हैं इस एक्सट्रीम हीट को। और इसी के साथ में गाइस हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि जहाँ पे भी ये लोग काम कर रहे हैं हॉट और ह्यूमिड वर्क एनवायरनमेंट में, वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए कूल ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, और उनको जैसे हमने रिकमेंड किया कि इलेक्ट्रोलाइट्स पाउडर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि उनके बॉडी के जो साल्ट जो लॉस हुआ है वो रिगेन हो सके। और क्या जैसा कि हम रिस्क असेसमेंट में करते हैं कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल क्या है, हज़ार्ड जो भी हमारे वर्क प्लेस पे होते हैं, जैसा हिस्ट्री से एक वर्क एनवायरनमेंट रिलेटेड हज़ार्ड होता है किसी भी वर्क एनवायरनमेंट में, खास करके जहाँ पे लोग हॉट और ह्यूमिड वर्क एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तो उस टाइम में इंजीनियरिंग कंट्रोल्स ये सबसे पहले एज अ कंट्रोल मैकेनिज्म हम कंसिडर करते हैं, जिसमें गाइज हमें फोकस करना चाहिए कि हाउ वी विल रिड्यूस द ह्यूमिडिटी एट वर्क प्लेस, क्योंकि ह्यूमिडिटी एक फैक्टर है जिसे हमें कम करना चाहिए, और उसके लिए हमें गाइज हम एयर कंडीशनिंग का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, या फिर एडिशनल एग्जॉस्ट फैन, या फिर एयर सर्कुलेशन पे हम लोग काम कर सकते हैं, या फिर हम एयर कंडीशन रेस्ट एरियाज हमारे वर्क प्लेस में प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसी के साथ में वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग इंस्टॉलेशंस हम हमारे वर्क प्लेस में कंसिडर कर सकते हैं। उसी के साथ में जो हीट सोर्स और वर्कर्स है इन दोनों के बीच में एक्सपोजर कम करने के लिए किसी टाइप का शील्डिंग या फिर प्रोटेक्टिव बैरियर्स या फिर कुछ टाइप ऑफ इंजीनियरिंग कंट्रोल हम वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं गाइस। और सेकंड स्टेज में आती है गाइस एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की, हीट स्ट्रेस को किस तरीके से मैनेज किया जाए, तो चेंजिंग द रेट ऑफ वर्क, मतलब उसका जो एक्सपोजर टाइम है वो रिड्यूस कर सकते हैं, शिफ्ट मैनेजमेंट एक टाइम हम कर सकते हैं गाइस, शेड्यूल हॉट जॉब टू द कूलर टाइम्स ऑफ द डेज, या फिर किसी शाम के टाइम में ये हॉट वर्क्स हम शेड्यूल कर सकते हैं, या फिर हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, या फिर लेंथ ऑफ रेस्ट ब्रेक्स हम फ्रीक्वेंटली वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और हम लोग एम्प्लॉयज़ को भी एनकरेज या फिर मोटिवेट कर सकते हैं कि किसी भी टाइप से अगर आपको हिस्ट्रेस सिम्टम्स या साइंस नज़र आते हैं तो इट हैज़ टू बी इमीडिएटली रिपोर्ट टू द कंसर्न पर्सन। तो जॉब रोटेशन ये भी है कि इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हम लोग कंसिडर कर सकते हैं गाइज, जिससे हमें जो एक्सपोजर टाइम हॉट एनवायरनमेंट के साथ है या एक्टिविटीज़ के साथ है वो किसी भी एम्प्लॉय या स्टाफ का हम लोग कम कर सकते हैं।
और जहाँ पे पीक आवर्स होते हैं हीट या हॉट वेदर के, उस टाइम पे हम लोग स्लो एक्टिविटीज़ या फिर जो हमारे एक्टिविटीज़ का जो स्पीड है गाइस, उसको हम लोग कम कर सकते हैं ताकि एग्जॉशन से बचा जाए और एक्सपोजर से भी बच सकते हैं। और गाइस यहाँ पे प्रोटेक्टिव क्लोथिंग्स होती है, जैसे पीपीएस वगैरह, कवरऑल्स है, या केमिकल रेजिस्टेंस सूट, एप्रॉन्स वगैरह चीज़ें हैं, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है गाइस कि इससे हम किस तरीके से टैकल करते हैं। जब हम बात करते हैं पीपीएस की या क्लोथिंग्स की, तो ट्राई कि जहाँ पे हम लूज़ क्लोथ यूज़ करें ताकि फ्री एयर मोमेंट रहे और स्वेट इवेपोरेशन प्रॉपरली होता रहे। और ये रिकमेंडेड है गाइस कि लाइट कलर क्लोथिंग ही आप प्रेफर करो, ताकि इसमें डार्क कलर क्लोथिंग में हीट जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, जिससे आपको आपके बॉडी के ऊपर हीट लोड बढ़ेगा और हीट स्ट्रेस को अपॉर्चुनिटी होगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं सेफ्टी इज़ एवरी वन रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी तरीके से सुपरवाइजर्स और एम्प्लॉयज़ की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट की तरफ। तो सुपरवाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जहाँ पे भी आपका हॉट वर्क होता है वो एरियाज़ को आइडेंटिफाई करो, वहाँ पे प्रॉपरली एयर वेंटिलेशन चेक करो, प्रॉपर शेडेड एरियाज़ आपने प्रोवाइड किया है क्या, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ वहाँ पे है क्या, हम एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से हाइड्रेटेड रख रही है, सारी चीज़ों को इंश्योर करना एक सुपरवाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस। उसी के साथ में ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस कंडक्ट करना हीट स्ट्रेस रिलेटेड, ताकि एम्प्लॉयज़ में ये अवेयरनेस रहे कि उनको भी आइडेंटिफाई होना चाहिए कि कभी हीट स्ट्रेस हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या चीज़ है। और साथ ही साथ में सुपरवाइज़र की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना वर्कलोड चेक करे और किसी भी एम्प्लॉयज़ को कंटिन्यूसली हॉट और ह्यूमिड वर्क प्लेस में डिप्लॉय ना करे, ताकि उसका एक्सपोजर कंट्रोल किया जाए। और साइमल्टेनियसली गाइस एम्प्लॉयज़ की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जैसे कि हीट स्ट्रेस से रिलेटेड जो भी साइन सिम्टम्स है उसको आइडेंटिफाई करे, रिकॉग्नाइज करे, और वो अगर कुछ ऐसी इंसिडेंस होती है तो इमिजिएटली सुपरवाइज़र को रिपोर्ट करे। और उसी के साथ में हीट स्ट्रेस रिलेटेड जो भी हज़ार्ड्स वर्क प्लेस पर है उसको रिपोर्ट करे, और हमेशा ही फ्रिक्वेंट ब्रेक्स ले, और लाइट वेट क्लोथिंग्स जैसा रिकमेंडेड है वो आप फॉलो करें, और हमेशा हाइड्रेटेड रहे, ताकि जिसके ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स टू अवॉइड हीट एग्जॉशन। तो हमेशा ध्यान रखिए गाइस कि अवेयरनेस अबाउट द हज़ार्ड इट्स सिम्टम्स एंड साइंस एंड कंट्रोल मैकेनिज्म कैन सेव एनीवनस लाइफ। तो इसलिए हर सबकी ज़िम्मेदारी है कि हीट स्ट्रेस से रिलेटेड हज़ार्ड्स को आइडेंटिफाई करें। तो गाइस ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की, हीट स्ट्रेस रिलेटेड, उसके टाइप्स, साइन सिम्टम्स, प्रिवेंटिव मेजर्स, कंट्रोल मैकेनिज्म्स, ये सारी चीज़ें एम्प्लॉई और सुपरवाइजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू वेरी मच गाइज़ फॉर ज्वाइनिंग।